हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रेनू और आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप फ़ोन से देखकर हेयर्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसे कैसे बना सकते हैं और उसे कैसे एक नेचुरल लुक दे सकते हैं। गाइज, ये हमारी सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। मैंने फर्स्ट और सेकेंड वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको काफ़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो हेयर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ऑब्ज़र्व करते हैं। इस पोर्ट्रेट में मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे लग गए थे हेयर्स को ड्रॉ करने में। तो हेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको HB पेंसिल पे स्ट्रोक्स लगाने होंगे। आपकी तस्वीर में जिस भी डायरेक्शन में हेयर्स हैं, आपको सिर्फ उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने हैं। स्ट्रोक्स लगाने के बाद आप किसी भी ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करके उसे ब्लेंड कर सकते हैं। मार्केट में कई ब्लेंडिंग टूल्स मिल जाती हैं, जैसे कि ब्लेंडिंग स्टम होती हैं, वो काफ़ी अच्छा टूल माना जाता है ब्लेंडिंग के लिए। आप चाहो तो उसे यूज़ कर सकते हैं। और सॉफ्ट ब्रश होता है, मैंने इसमें सॉफ्ट ब्रश का ही यूज़ किया है पूरे पोर्ट्रेट में। मैंने पोर्ट्रेट के किसी भी पार्ट में ब्लेंडिंग स्टम का यूज़ नहीं किया है। अगर आपके पास ये दोनों मटेरियल नहीं हैं तो आप कॉटन का और टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे सोर्स माने जाते हैं ब्लेंडिंग के लिए। तो ब्लेंड उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगानी है जिस डायरेक्शन में आपने पहले लगाई थी। उसके बाद आपको 4B पेंसिल का यूज़ करना है, उससे स्ट्रोक्स लगानी है, फिर आपको ब्लेंड करना है, फिर आपको 6B का, 8B का और 10B का, आप चाहें तो चारकोल का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है हेयर्स में। आपको हर लेयर के बाद उसे ब्लेंड करना है, उससे काफ़ी अच्छी लुक आएगी आपके पोर्ट्रेट में। आपके जो हेयर्स हैं वो रियलिस्टिक लुक देने लगेंगे। ब्लेंडिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि जब आप स्ट्रोक्स लगाते हैं, हेयर्स को ड्रॉ करते हैं, तो जो शीट में वाइटनेस होती है वो रह जाती है, उससे जो नेचुरल लुक नहीं आती हेयर्स की वो कवर हो जाती है। और आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि आपकी तस्वीर में जहाँ पर भी लाइट पड़ रही है, वाइटनेस है, आपको उसे वैसे ही छोड़ देना है, वहाँ पर शेडिंग नहीं करनी है। अगर आप वहाँ पर पेंसिल से शेड करोगे और उसके बाद आप इरेजर से इरेज कर दोगे तो वो वैसी लुक नहीं आएगी। आप जितना कम इरेजर का यूज़ करो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है पोर्ट्रेट में। और आपको अपनी तस्वीर को ऑब्ज़र्व करना होगा कि उसमें कहाँ पर वाइटनेस है, कहाँ पर डार्कनेस है। आपको उसे वैसे ही कवर करना है, आपको वैसे ही वहाँ पर शेडिंग करनी है। जहाँ पर डार्कनेस है आपको आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि आपकी पिक्चर में जहाँ पर भी लाइट पड़ रही है, वाइटनेस है, आपको उसे खाली छोड़ देना है, उसमें आपको पेंसिल से शेड नहीं करना है। उससे अगर आप पेंसिल से वहाँ पर शेड करेंगे और उसके बाद आप इरेज करेंगे
तो वो जो नेचुरल लुक है वो आपकी नहीं आएगी, कहीं ना कहीं जो पेंसिल से हम शेड करते हैं वो रह जाती है, इरेजर से वो प्रॉपरली इरेज नहीं होता है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि हेयर्स में जहाँ पर भी रोशनी पड़ रही थी, लाइटनेस थी, मैंने उसे खाली छोड़ दिया है और उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करके उसे कवर किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस एंड कीप वॉचिंग।